स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे स्किम बॉब के बारे में। जो स्किम बॉब होता है वो क्या होता है और कास्टिंग में हम इसका यूज़ क्यों करते हैं। तो जो स्किम बॉब है इसका कास्टिंग में यूज़ किया जाता है। स्किम बॉब का यूज़ क्यों किया जाता है? ट्रैप करने के लिए जो हमारे हैवियर और या फिर लाइटर जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो ट्रैप करता है ये इम्प्योरिटीज़ को। इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं? ये कुछ भी हो सकती है, इरोडिड सैंड हो सकती है, यानी कि जब आप मोल्टन मेटल को डालते हैं तो जो कुछ सैंड है मोल्टन मेटल के साथ इरोड होके कैविटी तक चली जाती है, तो उससे बचने के लिए ये ट्रैप यूज़ करते हैं, जिसको हम स्किम बॉब बोलते हैं। तो ये इम्प्योरिटीज़ को ये ट्रैप करता है, हैवियर को भी, जो हैवियर पार्टिकल हैं और लाइटर पार्टिकल हैं उनको भी करता है। जैसे कि इरोडिड सैंड हो गई या कोई भी कूड़ा करकट आ जाता है बीच में, तो वो इस तरह की इंप्योरिटी, ताकि जो मोल्टन मेटल है वो सारा कैविटी तक जा सके और उसके अंदर इंप्योरिटी ना जाए, ताकि जो प्रोडक्ट बने वो अच्छा बने। तो देखिए, इसके लिए हमने ये फिगर बनाई है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इसके अंदर यहाँ पे हमने दो बॉक्सेस के अंदर ये मोल्ड बनाया है। ये जो हमने दिखाया है ये मोल्ड कैविटी है। तो मोल्ड बनाने के लिए आपको कास्टिंग का यूज करना पड़ता है। जो कास्टिंग प्रोसेस आप करते हैं, यानी कि आप एक ड्रैग बॉक्स लेते हैं, एक कोप बॉक्स लेते हैं, दो बॉक्सेस के बीच में सैंड को भरते हैं पैटर्न रख के, तो वहां पे आप कैविटी क्रिएट करते हैं, तो उस तरह से मोल्ड क्रिएट होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये मोल्ड दिखाया गया है जो ये है, और यहाँ पे ये हमारी है जो स्प्रू होती है या पावरिंग बेसिन आप इसको बोल लीजिए, जो काम आती है हमारी, किस चीज़ के काम आती है, जो मोल्टन मेटल होता है इसके थ्रू अंदर जाता है, तो पावरिंग बेसिन ये है। तो मोल्टन मेटल को यहाँ पे डाल दिया जाता है। ये हमारी चारों तरफ सैंड है, ये दो बॉक्सेस हैं, कोप और ड्रैग हैं, ये पार्टिंग लाइन है, तो इसके बीच में ये हमने ये जो मोल्ड बनाया है। अब देखिए, यहाँ से जो मोल्टन मेटल है वो ट्रैवल करेगा और रनर के थ्रू होता हुआ आगे जाएगा। अब देखिए, ये जो हमने ये चीज़ बनाई है ये होता है स्किम बॉब, इसको हम बोलते हैं स्किम बॉब। तो स्किम बॉब का यूज़ क्या होता है? अब देखिए, जैसे ही ये मोल्टन मेटल यहाँ से आता है और यहाँ से ये ट्रैवल करता है, अब देखिए एकदम से जो पैसेज का एरिया है वो बढ़ गया है। तो यहाँ से जैसे ही वो इस तरह से ट्रैवल करेगा, जैसे ही इसके फ्लो को इस तरह की डायरेक्शन मिलेगी, अब देखिए जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो हमारी यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएंगी, और जो हमारा लिक्विड मेटल है, जो मोल्टन मेटल है, वो आगे जाएगा कैविटी तक, यानी कि इस मोल्ड को ये फिल करना स्टार्ट कर देगा, और जो हमारी सारा ट्रैप कर लेगी जो इम्प्योरिटीज़ है वो स्किम बॉब के अंदर यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि वो क्या करेंगी, जो लिक्विड का फ्लो है वो इस तरह से होके आगे पास हो जाएगा, लेकिन वो हैवी होने के कारण या पार्टिकल्स होने के कारण यहाँ पे वो बैठ जाएंगे, वो फ्लो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए स्किम बॉब का यूज़ किया जाता है, ताकि वो ट्रैप कर सके इम्प्योरिटीज़ को, इरोडिड सैंड को या ड्रोस को, तो ये उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो ये था हमारा स्किम बॉब, जो कि कास्टिंग में यूज़ किया जाता है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।